दुकानदार जयसिंह बघेल और किसान गोचूराम, इनकी जिंदगियों में बदलाव आना तो तय ही था। इनके गांव कवाली कलन में बिजली जो आ गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले का एक बेहद पिछड़ा गांव कवाली कलन, जहां के रहने वाले ये दुकानदार श्री जयसिंह बघेल जी ने बिजली के आ जाने के बाद से अपनी दुकान में फ्रिज रखकर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और अन्य ठंडी चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, जिससे इनका गल्ला 100 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 300 रुपये प्रतिदिन हो गया। और गोचूराम जी, जो कि एक किसान हैं, बताते हैं कि किस तरह बिजली से पहले ये महंगे डीजल पंप्स का उपयोग किया करते थे, पर बिजली के बाद से अब इनका काफ़ी खर्चा बच जाता है। साथ ही प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की पहल के तहत इस गांव में एक डिजिटल ग्राम पंचायत स्थापित हुई है, जिससे गांव वालों को इंटरनेट की सुविधा भी प्राप्त हो गई है। यहाँ के विद्यालय के एक अध्यापक श्री गोपाल जी बताते हैं कि आजकल बच्चे अपना सारा होमवर्क घर से ही पूरा कर लाते हैं और बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन भी बढ़ गए हैं, जैसे टीवी, रेडियो इत्यादि। पहले भले ही ये गांव एक पिछड़ा क्षेत्र हो, मगर अब ये एक मिसाल है तरक्की की और समृद्धि की, क्योंकि बिजली ही बदलाव है।